आज का पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हम पेमेंट बैंक के बारे में देखेंगे। देखेंगे पेमेंट बैंक वर्सेस स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें क्या डिफरेंस है, क्यों पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता, और नचिकेत मोर कमेटी किससे रिलेटेड। देखो कमेटी का कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखना। और फ्रंट पेज के कुछ आर्टिकल देख लेते हैं, जैसे क्या है, जीएसटी का रेवेन्यू राइज हुआ। आपको पता है कोरोना के टाइम पर जीएसटी का रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन हुआ था, उसके बाद से लगातार जीएसटी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। तो पहला आर्टिकल हम यहाँ पर देख लेते हैं जो आरबीआई ने क्या है गाइडलाइन इशू की है पेटीएम बैंक के लिए, वॉलेट के लिए और फास्टैग के लिए। देखो क्या है, पेटीएम यूपीआई लगातार चालू रहेगा। आप ये समझ लो ऐसा आरबीआई ने क्यों किया है। जब हम क्यों समझ लेंगे तो पेटीएम बैंक समझ लेंगे और पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक समझना इजी हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो क्या हुआ है रिसेंटली, पेटीएम ने क्या किया है, आरबीआई के रूल और रेगुलेशन का उल्लंघन किया है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो आरबीआई का एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1949, कौन सा 1949 नहीं कह रहा हूँ 1949 में क्या है आरबीआई सेक्शन 5 है शायद, सेक्शन 5 में क्या है आरबीआई बैंक को गाइडलाइन दे सकती है। आरबीआई के पास ये पावर है कि वो बैंक को, किसी भी बैंक को गाइडलाइन दे सकती है और उनको कह सकती है कि आप ये एसआईएलआर और सीआरआर मेंटेन कीजिए, आप ये आईटी से रिलेटेड रूल और रेगुलेशन को फॉलो कीजिए। इस तरह की गाइडलाइन जो है आरबीआई के द्वारा टाइम टू टाइम दे दी जाती हैं। मगर क्या किया गया रिसेंटली, पेटीएम ने क्या किया, इन गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया। इसके बाद आरबीआई ने ऑडिट किया। अब इस ऑडिट के बाद क्या कहा कि पेटीएम का वॉलेट जो है वो 29 फरवरी के बाद क्लोज हो जाएगा। मतलब आप अदर बैंक से जो सर्विस ले रहे हो, अगर अदर बैंक का आप अकाउंट ऐड है पेटीएम मनी में, तो आप सर्विसेज ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यूपीआई चलता रहेगा। मगर फास्टैग की सर्विसेज जो वॉलेट से चलती हैं उसके, वो बंद हो जाएंगी और पेटीएम वॉलेट का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पेमेंट बैंक। देखो पेमेंट बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप बहुत हर हाल में याद रखना, डॉक्टर नचिकेत मोर कमेटी। डॉक्टर नचिकेत मोर कमेटी, देखो डॉक्टर नचिकेत मोर कमेटी बनाई गई थी, इसने कॉन्सेप्ट दिया था पेमेंट बैंक का। पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट क्यों आया था, देखो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं और रूरल में सर्विसेज जो होती हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं बैंक की, ड्यू टू क्या होता है फाइनेंशियल लॉसेस बहुत होते हैं बैंक के, और कम एरिया में जो इम्प्लॉय जो होते हैं वो कम एरिया कवर करते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा लॉसेस देखने को मिलते हैं। तो पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया था कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, स्मॉल बिजनेसेस ट्रांजेक्शन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी को बेनिफिट मिले। देखो पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ पेमेंट बैंक होती क्या है, हम पेमेंट बैंक समझ लेते हैं। आपको इजीली मैं रामू, अपने प्यारे रामू के केस को समझा देता हूँ। अगर आप रामू के केस को समझ जाएंगे तो ईजी हो जाएगा। देखो ये रामू है, ठीक है, रामू के पास एक मोबाइल है और इस मोबाइल में इनने फोन पे कर रखा है। अब फोन पे क्या करता है, आप यूपीआई करते हैं, आप बैंक इससे अटैच करते हैं, तो फोन पे का एक वॉलेट होता है, आप वॉलेट में पैसे डाल सकते हैं। फोन पे कभी कभी ऑफर देता है, अगर वॉलेट में आप पैसे डालते हैं तो हम 50 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। ये क्यों देता है, ये इसलिए देता है क्योंकि ये वॉलेट का पैसा कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में और बिजनेस की तरह यूज करते हैं। अब वॉलेट से आपको क्या बेनिफिट मिलता है, आपको अगर मान लो इंटरनेट नहीं आ रहा है, नेट स्लो है, तो ये वॉलेट से आप तेजी से यूपीआई के थ्रू पैसा दे सकते हैं, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पेमेंट बैंक क्या करती है, म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करती है। अगर आप फोन पे के सेक्शन में जाओगे तो रामू क्या करता है, वेल्थ सेक्शन में जाकर और उसमें म्यूचुअल फंड खरीदता है और गोल्ड खरीदता है। मतलब ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं जो स्टॉक मार्केट में यूज होती हो। तो इस तरह की सर्विसेज हमें देखने को मिलती हैं किसमें, पेमेंट बैंक में। तो पेमेंट बैंक जो है एक इम्पॉर्टेंट बैंक है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए यूज होती है, और इसको रिकमेंड किया था हमारे नचिकेत मोर जी ने, ठीक है। आगे क्या बताया गया, क्रेडिट रिस्क होता नहीं है कोई भी पेमेंट बैंक को, क्यों नहीं होता, देखो जब लोन देगा नहीं, पेमेंट बैंक की ये खासियत है, पेमेंट बैंक जो है वो लोन वगैरह नहीं देते हैं। आप याद रखिएगा पेमेंट बैंक के द्वारा लोन नहीं दिया जाता है और क्रेडिट कार्ड भी नहीं इशू किया जाता। जब भाई क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाएगा, लोन नहीं दिया जाएगा, तो क्रेडिट रिस्क तो होगा ही नहीं, तो पेमेंट बैंक को इस तरह के रिस्क नहीं होते। पेमेंट बैंक क्या करता है, सेविंग अकाउंट खोलता है और करंट अकाउंट खोलता है। क्रेडिट कार्ड से करंट अकाउंट को कंफ्यूज मत हो जाना, करंट अकाउंट खोलता है और सेविंग अकाउंट खोलता है, मगर टाइम डिपॉजिट नहीं लेता है और क्रेडिट कार्ड नहीं देता। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना, ये इन फ्यूचर आपके ज़रूर काम आएगी। और पेमेंट बैंक क्या है, सब्सिडरी इशू नहीं कर सकता। पेमेंट बैंक के द्वारा कोई भी सब्सिडरी इशू नहीं की जा सकती। कैन नॉट सेटअप
सब्सिडरी बाय द पेमेंट बैंक। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये हर हाल में पता होना चाहिए। सब्सिडरी क्या होती है, जैसे मान लो पेमेंट बैंक पेटीएम है, अब पेटीएम ने कहा एक हम सब्सिडरी बैंक बनाएंगे रामू के गांव में जाकर, और उसका नाम रखेंगे पेटीएम मनी टू। मगर नहीं, गवर्नमेंट ने कहा ये सब आप नहीं कर सकते, केवल पेमेंट बैंक अपने नाम से चला सकते हो। अगर नई पेमेंट बैंक बनाना है तो नया लाइसेंस इशू होगा और नए लाइसेंस के अकॉर्डिंग ही आप चलोगे। अब आपको मैंने ये बता दिया कि डॉक्टर नचिकेत मोर कमेटी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्यों पेमेंट बैंक की रिकमेंडेशन दी, क्योंकि इसने कहा लोअर इनकम ग्रुप और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसके बेनिफिट उठा सकते हैं, स्मॉल बिजनेसेस इसके बेनिफिट उठा सकते हैं और अपना एक्सपेंड कर सकते हैं बिजनेस को, कल्चरल टाइज बढ़ा सकते हैं और एक दूसरे का पैसे का लेन देन कर सकते हैं। चैलेंजेस आपको पता ही, साइबर फ्रॉड, इलिटरेसी, ये सब चैलेंजेस हैं, एजुकेशन अवेयरनेस, टेक्नोलॉजिकल इशू, आप ये सब चैलेंजेस लिख सकते हैं। जैसे चैलेंजेस क्या, आप गांव में जाके देखते होगे उन्हें पेटीएम भी करना नहीं आता, पेटीएम का मतलब यूपीआई भी नहीं आता। तो इससे क्या होता है कि अक्सर लोग फ्रॉड कर लेते हैं, उनका पासवर्ड जान लेते हैं और फ्रॉड के केस देखने को आते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या होता है। देखो, ये एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट 1 लाख तक, ये एक्सेप्ट डिपॉजिट एनी अमाउंट कर सकता है। ये डिफरेंस बहुत ज़रूरी है, आपको पता ही होना चाहिए। ये मिंट से हमने लिया है, सही है, आरबीआई की वेबसाइट से लिया है और मिंट के पेपर में आया था ये। तो देखो ये क्या है, ये जो पेमेंट बैंक जो है वो डिपॉजिट 1 लाख तक एक्सेप्ट करती है, जबकि स्मॉल फाइनेंस बैंक एनी अमाउंट का डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। कांट लैंड एनी फॉर्म, किसी की फॉर्म में लैंड नहीं करता, मैंने आपको बता दिया, जब लोन ही नहीं दे सकता तो क्रेडिट लॉस नहीं होंगे। ये लोन देता है मगर फोकस रहता है स्मॉल लैंडिंग पर, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, एग्रीकल्चर है, फार्मर्स हैं, ठीक है। कैन ओपन सेविंग अकाउंट, ठीक है, इसमें भी सेविंग अकाउंट यूज़ कर सकते हो फाइनेंस, स्मॉल जैसे बिजनेसेस, एग्रीकल्चर, ये सब सेक्टर। रिमिटेंसेज सर्विसेज देता है, रिमिटेंसेज सर्विसेज क्या होती है, हमारे सऊदी अरेबिया में लोग रह रहे हैं, तुरंत पैसा भेजना चाहते हैं इंडिया में, उन्होंने तुरंत मोबाइल में डाला और इंडिया का सऊदी अरेबिया से यूपीआई का करार है, तुरंत पैसा आ गया, तो रिमिटेंस सर्विसेज है। ये तो रिमिटेंस सर्विसेज देता ही है और क्रेडिट कार्ड भी देता है। मैंने आपको बताया क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्रेडिट कार्ड इसके द्वारा नहीं दिया जाता, किसके द्वारा, पेमेंट बैंक के द्वारा, जबकि स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है, एटीएम कार्ड भी दिया जाता है, डेबिट कार्ड भी दिया जाता है। जबकि क्या है कि पेमेंट बैंक एटीएम कार्ड भी दे सकती है और डेबिट कार्ड भी दे सकती है। देखो, डेबिट ये कार्ड होता है और एटीएम ये मशीन होती है, मतलब पेमेंट बैंक भी मशीन लगा सकती है, ठीक है। म्यूचुअल फंड मैंने आपको बता ही दिया, रामू कैसे म्यूचुअल फंड खरीदता है, इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी लोन, ये सब इसके द्वारा पेमेंट बैंक के द्वारा किए जाते हैं। तो ये पेमेंट बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं, हमारा रिलेटेड गोल्डीलॉक्स सिनेरियो। इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले डायरेक्ट ही इसका ऑब्जेक्टिव समझा देता हूं, और ये है क्या गोल्डीलॉक्स सिनेरियो, कुछ नहीं है। क्या होता है, जब कोई इकोनॉमी शॉक से उभरती है, कोई इकोनॉमी है एकदम उसे शॉक लगा, शॉक का मतलब डिप्रेशन में गई, रिसेशन में गई, तो वो एकदम जब उभरती है, डिप्रेशन से ऊपर आती है, तो उस सिनेरियो को गोल्डीलॉक्स कहते हैं। इस गोल्डीलॉक्स सिनेरियो में क्या, इकोनॉमी जीडीपी रेट भी अच्छा होता है, ग्रोथ भी अच्छी होती है, डेवलपमेंट भी अच्छा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता है, ये सब देखने को मिलती है, और लो रिटेल इन्फ्लेशन मिलती है। मतलब ओवरऑल क्या होता है, गोल्डीलॉक्स सिनेरियो में इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी देखने को मिलती है। यही चीज यहां बताई गई, क्या बताया गया, आगे आप देख लो, नीदर टू हाई नॉर टू लो, मतलब जो बहुत ज्यादा हाई इन्फ्लेशन नहीं होती है और बहुत लो स्लो डाउन नहीं होता है, ठीक है। गोल्डीलॉक्स सिनेरियो की फीचर क्या है, लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट ठीक ठाक होती है, स्टेडी ग्रोथ होती है, और रिटेल इन्फ्लेशन भी कम होता है, इंटरेस्ट रेट भी सही होते हैं। गोल्डीलॉक्स फेज कम आता है, कब आता है, ये टेम्परेरी फेनोमिना है, जैसे क्या हुआ, कोई शॉक से इकॉनमी उभरी तब आएगा और रिकवरी के और ग्रोथ के फेज में आएगा। तो ये गोल्डीलॉक्स सिनेरियो से रिलेटेड आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है हमारा एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड। देखो क्या किया है, अभी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए किसे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बना दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। 2022 तक क्या था, देखो 2022 तक क्या सीन था कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत मीटी को क्या है, वो गेमिंग कंटेंट और एडवर्टीजमेंट को देखती थी। तो अब ऑनलाइन जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है या ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट है, ये सब किसके द्वारा देखा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, और ये एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल में अमेंड करके ये सब किया गया। तो मैंने इस आर्टिकल को इसलिए लिया क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाती है, देखने को मिलता है
कि कभी कभी यूपीएससी पूछ लेता है कि मीटी जो है ओटीटी के एडवर्टीजमेंट को रेगुलेट करता है, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ओटीटी के एडवर्टीजमेंट को रेगुलेट किया जाता है, ये आप चीज़ याद रखना। अब अगला आर्टिकल जो है वो हमारा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है। देखो क्या है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एक इम्प्लीमेंटिंग आर्म्स है, किसकी, नेशनल गंगा काउंसिल की। देखो नेशनल गंगा काउंसिल 2016 में आई थी, इसने रिप्लेस किया था नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को, मतलब नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी थी जो एक गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के एक्ट से बनी थी, उसको रिप्लेस करके 2016 में क्या किया गया, नेशनल गंगा काउंसिल आई, और नेशनल गंगा काउंसिल की इम्प्लीमेंटिंग विंग जो है नेशनल मिशन क्लीन गंगा है, जो रजिस्टर्ड है ऐसा सोसाइटी, ठीक है। अब नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या करती है, इसके मेन पिलर क्या है, सीवरेज ट्रीटमेंट किया जाता है, रिवर फ्रंट बनाया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है रिवर के एरिया में। दो इसकी मैनेजमेंट विंग्स हैं, गवर्निंग काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल क्या करती है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की, कि देखती है क्या रूल होना चाहिए, किस तरह से गंगा को क्लीन किया जाए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है कि कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, एम क्या है, देखो पॉल्यूशन और गंगा को हमें रिजुविनेट करना है, मतलब उसको नया बनाना है, और मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो होना चाहिए जो रिवर को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। तो ये नेशनल मिशन क्लीन गंगा के बारे में रहा, मगर आगे क्या बताया गया, अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान क्या है। देखो एक कमेटी बनी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंदर, इन्होंने 60 सिटी में अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान बनाया, ठीक है। ये पार्ट था हमारा रिवर सिटी अलायंस का, जो अंडर नमामि गंगे था। रिवर सिटी अलायंस 2021 में बनी थी, ये ज्वाइंट इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। आप कंफ्यूज हो गए होगे, मैं फिर से बताता हूं। देखो क्या है, रिवर सिटी अलायंस को फॉर्म किया गया 2021 में, ठीक है। ये ज्वाइंट इनिशिएटिव किसका था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जिसे हम महुआ कहते हैं, ठीक है। इसका विजन क्या था कि सिटी को, रिवर सिटी को क्लीन करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना और रिवर को कनेक्ट करना, ठीक है। तो ये रिवर सिटी अलायंस था। अब रिवर सिटी अलायंस का एक विंग जो है अर्बन रिवर मैनेजमेंट है, जिसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा, ठीक है। अब इसको प्रोजेक्ट को दो फेज में किया जाएगा। फर्स्ट फेज में क्या है, 5 स्टेट को इंक्लूड किया गया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। यहां पर क्लीन से रिलेटेड प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, ठीक है। इसको फंड, रिवर सिटी अलायंस को फंड कर रहा है वर्ल्ड बैंक, इसीलिए रिवर सिटी अलायंस पे मेरा इतना फोकस था, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया, मैं आपको शॉर्टकट में लिख के दिखा देता हूं, इन फ्यूचर ये आपके काम भी आएगा। देखो ऐसे लिखते हैं, रिवर सिटी अलायंस, आप फुल फॉर्म में लिख लेना। इसके बाद लिखते हैं इसे ऐसे कि कब इसको स्टेबलाइज किया गया, 2021 को। कौन इंप्लीमेंटिंग विंग है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है, अर्बन अफेयर महुआ। अब क्या है, रिवर सिटी अलायंस का पार्ट क्या है, अब सब पार्ट ऐसे लिख लो कि इसका पार्ट है अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान, ऐसे अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान। तो इस तरह से कोई भी चीज़ के शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं, तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो इसके नीड क्या है, आप नीड तो जानते ही हैं भाई, इतना फ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो हो रही है दिल्ली सिटी, हैदराबाद सिटी, ये सब वाटर का पॉल्यूशन है, लैक ऑफ स्पेशल लैंड कैटेगरी है, और रिलीजियस प्रैक्टिस जो हो रही है, मास बाथिंग हो रही है, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, पॉल्यूशन करती हैं। तो इनसे टैकल करने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। अगर कोई परेशानी है आपको तो टेलीग्राम चैनल और कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।